क्या लगता है कि 3 साल पुराना सरिया सिटी स्क्वेयर को सुरक्षित बना सकता है? आने वाले समय में जब आप और हम जैसे लोग उस सिटी स्क्वेयर में जाएंगे तो सुरक्षित है? जहां भाजपा भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा की बातचीत कर रही है, क्या है तो मैं इसकी जांच भी करवा दूंगा और मैं हमारे यहां जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संज्ञान में भी ये बात डाल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल करके इसकी जांच भी करवा देंगे। विधायक जी मौके पर पहुंचे थे, 3 साल पुराना सरिया भी मौके पर मौजूद था, परंतु विधायक जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं नजर आई, तो किस प्रकार देखते हैं? कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो उसको इस बात की किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी कि कोई भी कोताही वो इस सिटी स्क्वेयर प्रोजेक्ट के दौरान कोई भी वो उसके अंदर कोई लापरवाही चंडीगढ़ से किसी उच्च विभाग के किसी बड़े अधिकारी को अपॉइंट करवा दिया जाएगा कि ताकि वो इसके पूरी देखरेख वहाँ से वो उसको वोट दे। उप प्रधान पद के चेहरे की बात करें तो क्या कुछ पैमाना रहने वाला है, क्या देखा जाएगा कि वो चेहरा होगा उप प्रधान पद के लिए? पैमाना बता दीजिए, शायद नाम आप नहीं बता सकेंगे तो नाम की भी कोई ऐसी बात नहीं। और कब तक फिर भी चुनाव का इंतजार? बहुत जल्दी इसका चुनाव होने जा रहा है क्योंकि पार्षदगण कई बार काफ़ी संख्या में मिलते हैं, ग्रुप्स में भी मिलते हैं, कभी 9-10 आ जाते हैं, कभी 7-8 आ जाते हैं, कभी 4-4, 5-5 आते हैं, तो अब वो तैयार हैं और बहुत जल्दी ये चुनाव करवा दें। कैथल में चल रहे तमाम करंट के मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या फिर तमाम उन राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे जिला परिषद के पार्षद हो या फिर अगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर परिषद के उप प्रधान पद की बात करें, तो चुनाव को लेकर सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कैथल के भाजपा कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भाजपा को संजोए हुए हैं। कैथल से जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे, उन सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आने वाली राजनीति में हो सकता है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कपिल कमल में पहुँचने पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी अभी रिसेंट ही चुनाव सम्मिलित हुआ है और नवनिर्वाचित जो पार्षद है वो लगातार कार्यालय में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो चेयरमैन पद के दावेदार ही सभी ठोक रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको कौन बनने जा रहा है और लगातार आपका भी आशीर्वाद किन पर कायम रहने वाला है? देखिए अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं जी, उनमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने ये फैसला लिया था कि हम जिला परिषद का चुनाव विदाउट सिंबल हम लड़ेंगे और जैसे ही पार्षद चुनाव जीते, और आपने मीडिया के साथियों ने जब उनसे सवाल भी पूछे तो उन्होंने एक मत से सभी ने अलग अलग, आपने जिनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और इस प्रकार से बहुत अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जिला परिषद में चुनाव जीत करके आए हैं जी। अगर सिंबल की बात करें तो भाजपा ने कुछ सीटों पर सिंबल पर भी चुनाव लड़े हैं और आंकड़े कुछ सही नहीं दिखाई दिए आपको, जिस प्रकार से पता है कि किस सीटों पर ही, और जो सिंबल पर लड़ने के बावजूद भी आंकड़े अच्छे नहीं नजर आए, तो क्या कुछ कहना है उसकी परिस्थिति को लेकर? नहीं बिल्कुल, हमारे आंकड़े बिल्कुल अच्छे हैं और आप देख रहे हो कि 27 तारीख को जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में हमारे तमाम जिला परिषद के चुन करके आए हुए हमारे पार्षदगणों ने इसी ऑफिस के अंदर आकर के यहाँ पर अपनी खुशी को शेयर किया और मिठाइयाँ बांटी और हमें भी बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और क्योंकि ये चुनाव एक भाईचारे का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिला कैथल की इकाई ने ये फैसला लिया था कि हम ये चुनाव विदाउट सिंबल लड़ने जा रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हमारे पार्षद सबसे ज़्यादा संख्या में निर्वाचित होकर के आए हैं। और उस आधार पर निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिला परिषद का चेयरमैन और जिला परिषद का वाइस चेयरमैन कैथल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। कैथल के ड्रीम प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है और काफ़ी चर्चाओं में बना रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक सपना देखा था कि तमाम बैंक एक छत के नीचे आ जाएंगे, पर सरकार जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के पक्ष में नहीं थी तो वहां पर सिटी स्क्वेयर में सीएम फ्लाइंग के द्वारा एक FIR करवाई जाती है जिसमें जो अधिकारी है उनके नाम होते हैं और दोषी होने के बावजूद भी जब दोबारा से कार्य शुरू हुआ
तो उसी में उन अधिकारियों को दोबारा काम दे दिया गया और उस ठेकेदार को दोबारा काम दे दिया, लगभग ठेकेदार को दिया तो दिया, पैसे बढ़ाकर काम दे दिया, किस प्रकार देखते हैं, और 3 साल पुराना मटेरियल उसको दोबारा से यूज़ किया जा रहा है और दोबारा से ना तो कोई जांच हुई है। क्या लगता है कि 3 साल पुराना सरिया सिटी स्क्वायर को सुरक्षित बना सकता है? आने वाले समय में जब आप और हम जैसे लोग उस सिटी स्क्वायर में जाएंगे तो वो सुरक्षित है, जहां भाजपा भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा की बातचीत कर रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सिटी स्क्वायर कैथल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शुरू करवाया गया था और उसके अंदर जो भी कमियां खामियां थी तो उसमें उसके ऊपर एक जांच चली और उस जांच के अंदर जो भी कमियां पाई गई तो उस काम को रोक भी दिया गया था और अब ये काम दोबारा से शुरू किया गया है और इस काम को शुरू करके इसको आने वाले बहुत कम समय में ये सिटी स्क्वायर कैथल की जनता को सौंप दिया जाएगा। और मुझे तो लगता है कि जैसे उसके अंदर जो इमारतें हैं उन इमारतों में से बैंक स्क्वायर को तो ये मान करके चलो आपके आने वाले 6 से 7 महीने में उसको तैयार करके जनता को सौंप दिया जाएगा और बाकी की बिल्डिंग भी 1 साल के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगी और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, एक ड्रीम प्रोजेक्ट कैथल ज़िले के लिए है। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये बातें कमियाँ खामियों की बताई है, कोई उसके अंदर कोई आपको कोई तथ्यों के आधार पर कोई ऐसी कोई मेजर उसके अंदर कोई कमी मिलती है तो आप उसको बताएं। और जिस प्रकार से आपने जिक्र भी किया है तो ये आपने जिक्र किया है तो मैं इसकी जांच भी करवा दूंगा और मैं हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संज्ञान में भी ये बात डाल करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाल करके इसकी जाँच भी करवा देंगे। और मैं आपको निश्चित तौर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर काम को पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जहां पर कमियां खामियां मिलेंगी वहां पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो इस काम को देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो, उसको इस बात की किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी कि कोई भी कोताही वो इस सिटी स्क्वायर प्रोजेक्ट के दौरान कोई भी वो उसके अंदर कोई लापरवाही बरते उसको कोई अधिकार नहीं है। और जहां कहीं भी ऐसी कोई जांच में अगर कोई वो कमी खामियां पाई जाएंगी तो उसको तुरंत बदल दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ हर बारीक से बारीक हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे इस प्रकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनकी चिंता करती है। तो इस बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस बारे में वहां के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात डाल करके और इसको ठीक करवाने का काम किया जाएगा। विधायक जी मौके पर पहुंचे थे, 3 साल पुराना सरिया भी मौके पर मौजूद था, परंतु विधायक जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं नजर आई, तो किस प्रकार देखते हैं? जबकि विधायक जी खुद मौके पर पहुंचे थे और उन पर किसी भी प्रकार की उन्होंने ना टिप्पणी की ना शायद उन्होंने अभी इंस्पेक्शन सही तरीके से देखा, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, विधायक जी वहाँ पर देखने गए हैं, हमारे मुझे लगता है कि हमारे जिला परिषद ये जो चेयरपर्सन हैं शायद उनके संज्ञान में भी ये मामला है और ये बात टिप्पणी करने की उस समय की शायद नहीं हो और हो सकता है विधायक जी ने ये बात उच्च अधिकारियों के समक्ष भी रखी हो, हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष भी रखी हो, लेकिन फिर भी आपने मेरे संज्ञान में ये बात आप लेकर के आए हो तो निश्चित तौर पर मैं हमारे जिला के जो कंसर्न अधिकारी इसको देख रहे हैं मैं उनसे भी इस बात में पूरी जानकारी लूंगा और जहां कहीं भी अगर कोई त्रुटि मिलती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके और कोई ना कोई किसी अधिकारी को यहां पर चंडीगढ़ से ही किसी उच्च विभाग के किसी बड़े अधिकारी को अपॉइंट करवा दिया जाएगा कि ताकि वो इसके पूरी देखरेख वहाँ से वो उसको वॉच करें। नगर परिषद के चुनाव को काफ़ी समय बीत चुका है और शपथ ग्रहण समारोह में आप भी मौजूद थे और आपने तमाम पार्षदों को कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाएंगे उप प्रधान पद के लिए, तो उप प्रधान पद के लिए क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल कैथल जिले के अंदर बहुत अच्छा है, चाहे हम पुंडरी नगर पालिका की बात करें, वहाँ का चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोबारा से फिर चुना गया, चाहे हम कलायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पर है, कैथल के अंदर नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है और इस प्रकार से गुलाचीका के अंदर भी हमारा समर्थित वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन हमारी सहयोगी पार्टी जजपा का हमारा चेयरमैन है और इस प्रकार से सीवन के भी बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं
और वाइस जो चेयरमैनों के हमारे चुनाव जो रहते हैं, और बहुत जल्द राजौंद नगर पालिका का वाइस चेयरमैन का चुनाव बहुत जल्द करवाया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर नगर परिषद कैथल के वाइस चेयरमैन की हम बात करें तो सभी पार्षद इसके लिए तैयार हैं और बहुत जल्द इसकी डेट लेकर के तैयारी करके जिस प्रकार से पार्षद की राय मशवरा उनकी सलाह जैसे ही बनेगी सभी पार्षदों की इच्छा के अनुरूप और इनका बहुत जल्दी चुनाव करवाने का काम हमारे यहाँ का जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उप प्रधान पद के चेहरे की बात करें तो क्या कुछ पैमाना रहने वाला है, क्या देखा जाएगा कि वो चेहरा होगा उप प्रधान पद के लिए, पैमाना बता दीजिए, शायद नाम आप नहीं बता सकेंगे तो नहीं, नाम की भी कोई ऐसी बात नहीं और पैमाना कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। ये हमने बात जो हमारे 31 हमारे चुनकर के सम्मानित जो पार्षद गण आए हैं हमने उन्हीं के ऊपर ये बात छोड़ी है कि आप लोग आप अपने आपसी सलाह मशवरे से आपसी तालमेल से जो आपको उचित लगता है वाइस चेयरमैन के लिए वो नाम आप सुजेस्ट करें, वो नाम रखा जाएगा और उस नाम को आप वाइस चेयरमैन बना करके अपनी उस कुर्सी पर बैठाएं और इस कैथल नगर परिषद के तमाम जो 31 वार्ड हैं उनका समान रूप से विकास कार्य करवाने का काम आप मिलजुल करके करें। कब तक फिर भी चुनाव का इंतजार? बहुत जल्दी इसका चुनाव होने जा रहा है क्योंकि पार्षदगण कई बार काफ़ी संख्या में मिलते हैं, ग्रुप्स में भी मिलते हैं, कभी 9-10 आ जाते हैं, कभी 7-8 आ जाते हैं, कभी 4-4, 5-5 आते हैं, तो अब वो तैयार हैं और बहुत जल्दी ये चुनाव करवा दिया जाएगा। जी, तो तमाम सवालों के जवाब आपको शायद मिल चुके हैं और उन लोगों के लिए भी शायद अभी मुश्किलें बढ़ जाने वाली है जो कैथल में ड्रीम प्रोजेक्ट सिटी स्क्वायर में घोटाले का मामला हो या फिर तमाम उन मामलों की बात करें जहां पर घोटालों की बू आ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको डिटेक्ट करके तभी निर्णय लेने के लिए काफ़ी जानी जाती है, उसी को लेकर हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी ने बातचीत करी और तमाम मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।